नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल एक बार फिर हाजिर हुआ हूं आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। तो किसान साथियों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पूसा बासमती 1718 यानी कि पीबी 1718 की। तो चलिए वीडियो को एक बार शुरू कर लेते हैं। हम इस वीडियो के अंदर इसकी जो डिटेल्स हैं उनकी बात करेंगे कि आखिर कितने समय में ये पकती है, कितना उत्पादन देती है और क्या क्या इसकी विशेषताएँ हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले हमेशा की तरह ही इसकी समय अवधि से। तो जो बासमती 1718 है इसकी समय अवधि तकरीबन 140 से 145 दिन की होती है, अगर हम पौध लगाने से लेकर कटाई तक की बात करें। लेकिन अगर हम बात करें कि जब हमारी पौध जो है पूरी तरह से पककर तैयार हो जाती है और तब उसको जो है ट्रांसप्लांट किया जाता है, उसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन 110 से लेकर 115 दिन का समय ये वैरायटी लेती है। ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 120 से लेकर 121 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई होती है, यानी कि थोड़ी सी आप बोल सकते हैं कि जो 1121 है उससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है। पैदावार की अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन 20 से 25 क्विंटल प्रति एकड़ इसकी जो पैदावार है वो देखने को मिलती है। इसका जो दाना है वो काफ़ी मोटा होता है और जो चमक है उसकी वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसके कारण जो काफ़ी आकर्षक लगता है। और इसकी जो कीमत है, वैसे तो शुरू शुरू में इसकी कीमत थोड़ी कम लगी थी क्योंकि एक दो साल ये नई वैरायटी थी, 2018 के अंदर किसानों ने बोई थी, तो एक दो साल तो इसकी जो कीमत है वो थोड़ी कम लगी थी। मेरे ख्याल से इस बार तो इसकी जो अच्छी खासी कीमत मिलने वाली है क्योंकि पिछले या उससे पिछले साल इसकी जो कीमत है वो तकरीबन 100 रुपये जो है 1121 से कम लगी थी। इसका जो दाना है वो थोड़ा सा अधिक लंबा होता है। अगर हम बात करें तने की तो इसका जो तना है वो काफ़ी मोटा और मजबूत होता है, जिसके कारण इस वैरायटी के अंदर जो गिरने का खतरा है वो हमको नहीं रहता। बाकी कई वैरायटियों के अंदर जो गिरने का डर है वो रहता है। तना काफ़ी मजबूत होता है इसका और जिसके कारण जो है ये गिरती नहीं है। अगर हम बात करें सहनशीलता की तो ये जो वैरायटी है BLB के प्रति सहनशील है, यानी कि जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जो रोग है उसके प्रति सहनशील जो है ये है। अगर हम बात करें कटाई की तो अगर आप थोड़ी सी लेट भी इसकी कटाई करते हैं तो भी ये वैरायटी जड़ती नहीं है। तो दोस्तों, ये तो थी पूसा बासमती 1718 यानी कि पीबी 1718 की जानकारी। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके बताना आपको ये जानकारी कैसी लगी और साथ ही ये भी बताना कि पिछले साल या फिर उससे पिछले साल आपने कौन सी वैरायटी लगाई थी, आपका एरिया क्या है और उसका कैसा रिजल्ट आपको देखने को मिला, उत्पादन कितना देखने को मिला, ताकि आपके एरिया के हिसाब से मैं और किसान भाइयों को उसकी जानकारी दे सकूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान जय किसान।